जी बस वेलकम बैक अर्ली मॉर्निंग. आज है जी लेबर डे और ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है हमारी एडवोकेट नुजस शाह साहिबा ने. इनको वेलकम करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं आप? बिल्कुल मजे में. आज रिलैक्स्ड. आज बिल्कुल रिलैक्स आई हैं. अपने उस ब्लैक कोट वाले गेटअप में नहीं आई हैं. छुट्टी है जी. छुट्टी है जी. है इसलिए. लेबर डे. पहले ना हम इनसे वही हमारा पोल का सवाल करते हैं सर. ठीक है, जो हमने आपसे किया था. अच्छा जी मैम, हमारे पोल का सवाल है कि कोई एक इंसान जो है गरीब है, बहुत गरीब है, बहुत मजबूर है, और वो आपको एंड गॉड फॉरबिड यू इवन नीड किडनी चाहिए आपको. ठीक है, और वो आपके पास आके कहता है कि मुझसे मेरी किडनी खरीद लें. आप खरीद लेंगी? सही है गलत? मुझे चाहिए है अगर उस गरीब से खरीद लें. देखिए ये इस तरह के काम, जो बंदा जिंदा है और वो अपनी किडनी दे और मजबूरी के हालत में दे, तो मेरा तो नहीं ख्याल कि मैं उसकी मजबूरी से कोई फ़ायदा उठाऊंगी. ठीक है ना, तो मैं कोशिश करूंगी कि मेरे जान पहचान में से ही जो वो मेरे लव एंड अफेक्शन की वजह से मुझे कुछ डोनेट करे, तो वो एक अलग चीज़ है. लेकिन अगर उसकी मजबूरी है तो मैं उसके अलावा उसकी मदद कर दूंगी उस मजबूरी में, लेकिन मैं उसकी किडनी नहीं लूंगी. आपको जरूरत भी है तो आपके लिए गिफ्ट नहीं, लेकिन नहीं 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 फिर भी नहीं. मैं कह रही हूँ ना कि मैं उसकी वैसे उतनी मदद कर दूंगी, लेकिन मैं उससे किडनी नहीं लूंगी. उससे किडनी नहीं लेंगे? नहीं, क्योंकि फिर तब जब तक मैं जिंदा रहूंगी ना, वो मेरे ऊपर बड़ा बोझ रहेगा. बच्चों बाएंगे, आप पैसे देके ले रही हैं. नहीं, लेकिन वो मजबूरन बेच रहा है. वो मजबूरन, दैट इज द पॉइंट. बिल्कुल सही बात की, वो मजबूरन बेच रहा है. एक्चुअली बेचना इज नॉट अलाउड हमारे लॉज में. बेचना इज नॉट अलाउड. ठीक है जी, आप उसकी किसी और तरीके से हेल्प करते हैं. हाँ बिल्कुल राइट. अच्छा जी, अब हम थोड़ी सी बात करने वाले हैं. थोड़ी सी नहीं, अब हम बात ही करने वाले हैं जी मेडे पे. मेडे पे बात करने से, मेडे बोला, मेडे नहीं, मेडे वाले नहीं, लेबर डे वाला मेडे. तो जी हम बात, अभी हम बात करते हैं. पहले हम एक पैकेज देखते हैं, फिर बात करते हैं. हर साल की तरह शिकागो के मेहनतकश शुहदा की याद में पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है. हर साल सिर्फ इस दिन मजदूरों के हकूक के हवाले से दुनिया भर में आवाज बुलंद की जाती है, जिसे सुनने वाले तो सब होते हैं, मगर उनके हकूक की जंग लड़ने वाला कोई नहीं होता. हर साल इस दिन मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, मगर अमली तौर पर इसके सम्राट कभी भी मजदूर तबके तक नहीं पहुंच सके. मजे की बात यह है कि इस दिन आम तातील की वजह से सभी अपने अपने घरों में चैन की नींद लेते हैं, सिवाय मजदूरों के. आज के दिन मजदूर आम दिनों की मुनासबत से ज्यादा काम करता है, शायद इसी खुशी में कि आज उनका दिन मनाया जा रहा है. जी व्यूअर्स, अभी आपने पैकेज देखा और वो पैकेज था मजदूरों के बारे में. अब हम थोड़ी सी इस पे बात करते हैं सर. मेडे लेबर डे की क्या इम्पोर्टेंस है? देखिए लेबर डे जो हम मना रहे हैं आज, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हम कहेंगे जी आज हम ईद मना रहे हैं. तो एक हमारी मजहबी तस्वुर है ईद मनाने का, लेकिन अगर हम एक पेशेवराना ईद मना रहे हैं तो हर पेशे की एक ना एक दिन ईद होती है. आज मजदूरों की ईद. अच्छा, अगर मजदूरों की ईद है तो फिर वो हमारी सकाफत पे मुनासिर है कि हम मनाते कैसे. छुट्टी करके, बहुत ज़्यादा काम करके, खाने खा के, एक दूसरे को अपना दुख सुना के कैसे मनाते हैं. अच्छा, दुनिया भर में मे डे मनाया जा रहा है, जैसे आज मनाया जा रहा है, लेकिन हर मुल्क में अलग अलग है. जैसे कनाडा में अलग है, सितंबर की पहला मंडे आता है. वो सितंबर का पहला मंडे शायद अब 3 सितंबर को पड़ेगा, 2013 में 5 को पड़ेगा, इस तरह. और वो उस दिन वो भी मनाते हैं कि वो समर, गर्मियों का आखिरी दिन है और ख़वातीन सफ़ेद कपड़े पहनेंगे कि अब ये गर्मियाँ ख़त्म हो रही हैं. लोग बीच पर जाते हैं कि आखिरी पिकनिक हमारी. हम लोग कैसे मनाते हैं जी? हम लोग ऐसे मनाते हैं, अगर मेरे घर में काम हो रहा हो तो मेरे पास दो तरीके हैं. या मैं अपने मजदूर जो भाई आएंगे मेरे काम करने के लिए, मिस्त्री और ये वो, उनसे मैं कहूँ यार आज तुम आ तो गए हो, मैं तुमको पूरी पूरी तुम्हारी वो फीस और दिहाड़ी दूंगा, लेकिन तुम काम नहीं करोगे, मेरे साथ खाना खाओगे और हम खाना खाएंगे और जिंदगी की बातें करेंगे.
तो उसको बड़ी ताज्जुब शायद उसको ये होगा कि लेबर डे में ये होता है कि लेबर डे तो उसको नहीं पता, उसको तो छुट्टी पता है। अब दूसरी बात अहम यह है इस लेबर डे के हवाले से, कितने लोगों को वो एक बार्गेन की सूरत में वो लोग काम कर सकते हैं ग्रुप की सूरत में, वो तो बहुत कम है। जितने मजदूर आपको मिलेंगे उनको पता भी नहीं कि यूनियन क्या होती है और हमारे राइट्स क्या हैं, वो तो काम करके जा रहे हैं, उसमें ख्वातीन भी शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं। तो अब हम कैसे मना सकते हैं, ये मुनासिर है कि हम सोचते कैसे। पाकिस्तान में दो चीज़ें बड़ी अहम है जैसे हमें गुफ्तगू कर रहे थे, एक तो छुट्टी और दूसरा खाना। कोई चीज़ आदमी कामयाब हो गया खाना खिलाएं यार, प्रमोशन हो गई खाना खिलाएं, छुट्टी हो गई खाना खिलाएं, हम खाते बहुत हैं, खाते बहुत हैं, हम हर चीज को खाने के साथ सेलिब्रेट करते हैं। जी, तो हमें कैसे मनाना चाहिए, इस बात की तरबियत यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में होनी चाहिए, जो कि जिसकी छुट्टी आज ना हो, आज वो लेबर को लेकर, मजदूर को लेकर, तालिबे किसी तालिबा को वो मासी को लेकर आए, ड्राइवर को लेकर आए और मजदूर को लेकर आए और उनसे गुफ्तगू करें सबके सामने, तब तो कुछ समझ आएगी कि इसका कोई फायदा हो रहा है। बता लेबर डे एक ऐसी ऑर्डिनरी डे है जी, छुट्टी का दिन है आज, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमारी जो एक कल्चरल एजुकेशन है वो नहीं हुई। अगर वो किसी दिन होगी तो हम इसको बेहतर तौर पे मना सकेंगे कि ये कोई आगही मिल रही है लोगों को और ख़ास तौर पे उनकी हकूक की बात हो रही है। बच्चा कारपेट इंडस्ट्री में काम कर रहा है, आप कह रहे हैं जी हवा तो आ रही है, बालिग मर्द के लिए हवा काफ़ी है, बच्चे के लिए काफ़ी नहीं है, उसके लंग्स छोटे हैं, उसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा है। इन सारी बातों को आज कम से कम डिस्कस जरूर करना चाहिए। सही। अच्छा अब मैम से बात करने से पहले मैम उसमें ये एक कॉल है ना, एक कॉल है, कॉल के बाद हाँ कॉल के बाद जी हम मैम से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, गुड हेल्थी मॉर्निंग आपको। या साहब गुड हेल्थी मॉर्निंग, चले शुक्र है आज आपके चैनल को याद रहा कि यौमे मई है, वरना तो मुझे कहीं ज्यादा पता नहीं चल रहा इसका। चलो ये तो आपने जी जी बहुत अच्छा आपने किया, वरना तो शादियों के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा तब हम चैनल पे। मुझे वाकई आप जो डॉक्टर बैठे हैं वाकई मैं वाकई आई एम रियली इंप्रेस्ड, वाकई ये स्कॉलर है, स्कॉलर को ऐसी ही बात करनी चाहिए। इन्होंने जो बात की है यकीन करें मेरे लिए तो एक ऐसी आंखें खोली है इन्होंने कि हम इसको सेलिब्रेट किस तरह करें। आप देखें हम कन्वेंशन और ये और वो सब कर लेते हैं, हम सो के गुजार लेते हैं, खाने खा लेते हैं, लेकिन व्हाट वी आर डूइंग, मतलब हम उस दिन को सेलिब्रेट करने क्या करें। मजदूरों को तो वाकई जो आप डॉक्टर साहब ने इतनी प्यारी बात की कि अपने घर के जो लोग काम करने वाले हैं जो आपके अख्तियार में लोग हैं आप उनको बिठाए बुलाए उनकी दिहाड़ी उस दिन की दें, लेकिन उनको 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 अपने साथ बिठा के खिलाएं पिलाएं, उनको कोई अच्छी बात बताएं, उनकी बात सुने, तो वो इनके लिए बेहतरीन चीज साबित हो सकती है। यही बात है कि हमें इस चीज की ट्रेनिंग की जरूरत है कि वाकई मैं तो कहता हूँ कि डॉक्टर ने इतनी गरीब बात की कि इनको ऐसी जगहों पे ले जाएं जो इनको कोई उस्ताद है स्कॉलर है कुछ इनको बताएं, क्या मतलब उनके ग्रूमिंग सेशंस यू मीन ग्रूमिंग, बिल्कुल ग्रूमिंग। देखे हमारे जो मजहब है ना उसमें कहते हैं ना कि ये बेसिकली हमारा ह्यूमन राइट है, ह्यूमन राइट्स में आता है। अगर हमें तो किसी और की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, हमारे मजहब में तो खुद यही कि मजदूर की मजदूरी पहले पसीना सूखने से पहले दे दो। तो मैं ये कहता हूँ देखे अब अगर आप इस लेके चले ना, मैं गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, आप इंडिविजुअल बेसिस पे लेके चले, बड़ा अच्छा आपने चांस दिया इस बात करने का। हमारे घर के अंदर चौकीदार होता है, हमारे घर के अंदर माली होता है, डिफरेंट डिफरेंट लोग होते हैं, तो क्या हम बुनियादी हम उनके बुनियादी हकूक पूरे कर रहे हैं। आप मुझे बताइए गार्ड है, आपने अपनी लाखों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी के लिए उसको रखा हुआ सपोज, और आप उसकी बेसिक नीड नहीं पूरी कर रहे, उसके लिए लैटरिन नहीं है, उसके पास वॉशरूम नहीं है, वो बेचारा धूप में खड़ा हुआ है, उसको खाने पीने की कोई पता नहीं है आपको, और वो चाह रहे हैं आप चाह रहे हैं कि वो लाखों करोड़ रुपए के आपके वफादार हो जाए, ऐसा नहीं होता राफी, ऐसा नहीं होता। तो हमें ये अपने जो हम जो हमारे अख्तियार में लोग हैं ना, तो उनके लिए हमें उनके हकूक का ख्याल रखना चाहिए जब भी हमसे वो लॉयल होंगे। और मैं समझता हूँ कि डॉक्टर साहब ने जिस तरह बात की इसी तरह हमें हमारे एज ए सोसाइटी हमारा फर्ज है कि हम सोचे कि इसको किस तरह मनाएं, और हमें हम बात ना करें हम प्रैक्टिकली कुछ करके दिखाएं, हर इंडिविजुअल अगर करेगा तो शायद हालात बेहतर हो जाए। बस थैंक यू सो मच, मुझे थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल आया साहब, बहुत अच्छी बातें इन्होंने की है। बिल्कुल उन्होंने यहाँ पे एक तरह के राइट्स की बात की है कि यहाँ मैं मैम की तरफ थोड़ा सा आऊंगी। मैम जब हम लोग अपने घरों में मेज या चौकीदार या इस तरह कुछ रखते हैं तो वी डू नॉट मतलब कोई ख्याल नहीं होता कि उनको उनके रूम में क्या चाहिए, उनको रहने के लिए क्वार्टर जरूर दे दिया बट लाइट नहीं है तो हमारे अपने घर में जरूर पंखा चल रहा होगा, क्वार्टर में नहीं चल रहा होगा, यू नो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आप एक इंसान का इंसान की तरह ही सोच के ख्याल करते हो, और हम उनको बिल्कुल उस चीज़ से जैसे कुत्ता बिल्ली नहीं पालते वैसे रख रहे होते हैं। अच्छा मैं थोड़ा सा इसमें मुझे हमेशा एतराज़ रहा है, या मेरा एक्सपीरियंस ऐसा नहीं रहा है, मेरा मुशाहिदा ऐसा नहीं रहा है, मैं जिन लोगों को जानती हूँ उनके मैंने देखा है कि नौकरों के साथ बड़ा अच्छा सलूक
किया जाता रहा है और अब भी कर रहे हैं, और उनको लुक आफ्टर करते हैं। बीमार हो जाएं तो उनको डॉक्टर के पास फौरन लेके जाया जाता है, उनके कपड़े बनाए जा रहे होते हैं, उनको खाने का प्रॉपर दिया जा रहा होता है, जो मोस्टली फैमिलीज जो हैं जो खुद खा रहे हैं वो उनको भी दे रहे हैं। ऐसा मेरे मुशाहदे में नहीं आया, बहुत कम परसेंटेज ऐसी है जो हम मैंने ये देखा है कि उसको स्कैंडलाइज ज़्यादा कर दिया गया है। वरना जो भी फैमिलीज हैं जिन्होंने नौकर रखे हैं तो वो पढ़ी लिखी फैमिलीज हैं, अफोर्ड कर सकती हैं, और उनमें खुदा तरसी भी है। मैं एक दफ़ा फिर क्लियर कर दूं कि ये मेरा मुशाहिदा है, ज़रूरी नहीं कि हर कोई इससे इस मुशाहिदे से गुजरा हो, और मैं खुद भी चूंकि यही प्रैक्टिस है मेरी, तो मैंने देखा है कि लोग बहुत ख्याल रखते हैं। ठीक है, एक नौकर है, आप भी अगर कहीं यहाँ पे जॉब कर रही हैं तो आपको यहाँ के रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने हैं। हाँ। अगर आप लेट आएंगी तो आपको ऑब्वियसली सर्कमस्टांसिस फेस करने हैं, ठीक है ना, जो भी कॉन्सिक्वेंसेज है वो फेस करने हैं आपने। इसी तरह से अगर मैंने कोई मेड रखी है और अगर वो टाइम पे नहीं आ रही है और मैं उसको इस बात पे डांटूं, लेकिन उसकी प्रैक्टिस अगर यही हो कि वो रोजाना लेट आ रही है, उसके पास रोजाना एक्सक्यूजेज हो, तो ये भी नहीं होना चाहिए। हमें दूसरे पार्ट पे भी ये देखना चाहिए। कुछ फैमिलीज ऐसी हैं या कुछ लोग ऐसे हैं जो वाकई में इस किस्म का रवैया रखते हैं, वो बहुत अफसोसनाक है। और चीज़ जो अभी इन्होंने बात कही थी कि हमें बैठ के एक उनके साथ ऐसी उनको कंपनी देने चाहिए, उनके प्रॉब्लम्स सुनने चाहिए, उनको सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, जिस एनवायरनमेंट में हम उन्हें रख रहे हैं वो एक प्रॉपर एनवायरनमेंट उनको देना चाहिए। उसके अलावा आज के दिन के हवाले से मैं बात करूंगी कि जैसे सर ने कहा कि आज के दिन के हवाले से हम अगर किसी लेबर के साथ काम करा रहे हैं तो आज के दिन अगर छुट्टी है तो हम उनके साथ ये छुट्टी सेलिब्रेट करें। दूसरी एक चीज़ ये भी है कि हमें अभी बात हुई थी कि गवर्नमेंट लेवल पे हमें एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए, लेकिन मैं कहती हूँ कि नहीं, गवर्नमेंट लेवल पे आप एक्सपेक्टेशंस रखें और स्ट्रिक्टली उसके साथ डील करें, उनको जगाएं, झंझोड़ें, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो आराम से सो जाती है। अगर आप उसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे तो वो तो बिल्कुल चैन की मांसरी बजाएगी, मुल्क में कुछ भी होता रहे, सोसाइटी में कुछ भी होता रहे, आवाम के साथ कुछ भी होता रहे, दे विल नॉट बॉदर, वो ऑलरेडी बॉदर नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब तक आप उनको झंझोड़ेंगे नहीं, कोई काम नहीं होगा। आज के दिन के हवाले से पर्टिकुलरली आपके चैनल पे अगर एक प्रोग्राम हो रहा है तो इस किस्म के और भी प्रोग्राम्स होने चाहिए जिससे गवर्नमेंट को ये हिलाया जाए कि ये जो आपके यहाँ लेबर क्लास है ये कितनी ज़रूरी है, इसके बगैर कुछ भी नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। हम और आप वो काम नहीं कर सकते हैं, पढ़ा लिखा तबका उठा के वो बड़े बड़े पत्थर उठाना, कलर करना, बिल्डिंग्स तैयार करना, रोड तैयार करना, ये सारे काम आम बंदा नहीं कर सकता है। इसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो लेबर क्लास में है, तो हमें उनको इग्नोर नहीं करना है। चाहिए एक माइंडसेट, चाहिए एक मतलब एक पूरा कैरेक्टर बिल्डिंग चाहिए। बिकॉज एकदम मुझे कोई कह देगा कि तुम ये पत्थर उठाओ और ये दीवारें बनानी शुरू कर दो, लाइक आई कांट, यू नो, ये मैं नहीं कर सकती। तो हमें उनकी कदर करनी चाहिए कि वो मौजूद हैं तो हमारी सोसाइटी के बहुत सारे काम चल रहे हैं उनके बगैर। अच्छा सर, अब आप मुझे एक बात बताइए कि ये जिस तरह मैम ने भी इम्पोर्टेंट बताई है लेबर की, हमारे मुल्क में कितनी परसेंट आबादी जो है वो लेबर है? जी देखिए, जो हमारे मुल्क में अगर 34 मिलियन की अगर हम बात करें, 35-34 मिलियन 92-93 के सेंस के हवाले से, तो इतने हमारे पास लेबर, अब तो 18 करोड़ हो गए, एकदम 18-19 करोड़ हो गया। लेकिन सवाल यह है कि लेबर वो जिनका पास आपने उनकी कवायव जमा की है किसी जगह पर, हमें पता है वो कहाँ रहते हैं, हमें पता है उनके शनाख्ती कार्ड का नंबर क्या है। हजारों लाखों ऐसे लोग हैं जिनका आपके पास कवायव मौजूद नहीं है लेकिन वो लेबर है। मिसाल के तौर पर वो बच्चे जो कालीन की इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल के जो हमारे मैकेनिक्स हैं वो काम कर रहे हैं, चूने की दुकान पे काम कर रहे हैं, ख़वातीन जो काम कर रही हैं घर के अंदर। अब जैसे एक मिठाई की दुकान वाला है, उसकी बीवी कढ़ाई भी गर्म कर देती है, उसकी बीवी तेल भी डाल देती है, तो वो बीवी को पैसे तो नहीं दे रहा है वो, अगर उसकी जगह किसी मुलाजिम को रखा जाए तो पैसे देने पड़ेंगे। हाँ। तो कई ऐसा लेबर फोर्स है हमारे यहाँ जो अनपेड जी, तो वो अनपेड लेबर फोर्स जो है वो भी अनअकाउंटेड फॉर है अभी भी, उसको भी शामिल करना चाहिए। तो ये तमाम लोग हैं जो लेबर है लेकिन मजदूर कहने को तो है लेकिन उस पूरे अंजुमन का हिस्सा नहीं है जिसमें हमारे पास डेटा मौजूद हो। अच्छा, तो ये एक बड़ा ड्रॉबैक है हमारे पास। अच्छा सर, वो एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया ना, तो वो छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, व्यूज कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक।